तो इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से है, जहां जोशीमठ प्रभावितों को धामी सरकार ने बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि जोशीमठ प्रभावितों के बिजली और पानी के बिल माफ किए हैं। तो पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आदेश जारी हुआ है। जोशीमठ आपदा को लेकर बुलाई गई मीटिंग में फैसला हुआ है। तो प्रभावित लोगों के बिल माफ हुए हैं। नवंबर 2022 से अगले 6 महीनों तक के बिल माफ हुए हैं। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां जोशीमठ प्रभावितों को धामी सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। जोशीमठ प्रभावितों के बिजली और पानी के बिल माफ किए गए हैं। तो पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आदेश जारी हुए हैं। आपको बता दें कि जोशीमठ आपदा को लेकर मीटिंग बुलाई गई थी और इस मीटिंग में ये फैसला हुआ है। तो प्रभावित लोगों के बिल माफ हुए हैं। नवंबर 2022 से अगले 6 महीने तक के बिल माफ हुए हैं।